कुकिंग लाइक नहीं करती हूँ, नहीं है, कुकिंग आता नहीं है. तो ऑब्वियसली द वे टू मिस्टर नारायण मूर्ति हार्ट वॉज नॉट थ्रू स्टमक. आपका लव एट फर्स्ट साइट? नहीं, मे बी ऑन हिज साइड. मैंने सुना है कि दो चीजें हैं जब आप बात करते हैं तो आपका चेहरा खुल जाता है, एक तो फूड और सेकंड मिस्टर नारायण मूर्ति. लोग मुझे पूछते हैं नारायण मूर्ति वेट ऐसे ही है, शादी में कितना था, अभी तक उतना ही है, जरा कम भी है. ये कैसे मैनेज करते हैं? हम बोलते हैं थैंक्स टू वाइफ्स कुकिंग. हम ऐसे कुक करते वो खा नहीं सकते. ओके, इसीलिए वो ऐसे हैं. मैं अच्छा खाती हूँ लेकिन अच्छा प्रिपेयर करने के लिए नहीं आता. नहीं आता. दो तीन चार मैं करती हूँ. मैसूर हुड़ी मैं करती हूँ, बहुत अच्छा तरीके से चाय बनाती हूँ. और हम हुबली के हैं, हमारे उसमें पोहा. पोहा इज लीडिंग ऑल ओवर फूड. आई लव पोहा. अरे 16 वैरायटीज का पोहा हम करते हैं हुबली में. हुबली में तो हुबली जाना चाहिए. हुबली जाना चाहिए. दड़पे पोहे करते हैं महाराष्ट्र में, ऐसे भी करते हैं हम. और पोहा तड़का करते हैं, बिना तड़के करते हैं, स्वीट पोहा करते हैं, उसका पायसम करते हैं, खीर करते हैं. हम पोहे के एक्सपर्ट है. तो बिटवीन तुंगभद्रा रिवर एंड कृष्णा रिवर वी आर एक्सपर्ट इन पोहा. आप कुकिंग नहीं करती तो फिर घर में खाना किस टाइप का खाना बनता है, कौन से कम्युनिटी का बनता है खाना? कुकिंग लाइक नहीं करती हूँ, नहीं है, कुकिंग आता नहीं है. इट्स ओके, इतना सारा आता है तो एक कुकिंग क्या चीज है? क्या हो गया कि मैं बचपन से बाहर से का काम करती थी, इसलिए ज्यादा माय टाइम लक्ष्य कुकिंग में नहीं दिया. लेकिन उपवास नहीं होती हूँ, घर में कोई नहीं आए हम होटल नहीं जाते हैं. मैं परोठा अच्छा करती हूँ, दाल करती हूँ, सब्जी करती हूँ. बेसिक कुकिंग आता है मुझे, राइस दाल सांभर परोठा सब्जी. लेकिन आपको ये करना ये नहीं आता. घर में सिंपल कुकिंग है. नारायण मूर्ति स्वीट नहीं खाते हैं. स्वीट नहीं खाते? बिल्कुल नहीं खाते हैं, क्योंकि वाइफ बहुत स्वीट है उनकी ना. सब स्वीट हम खाते हैं. मुझे स्वीट बहुत पसंद है, बहुत पसंद है. अब भी आप पेरिस से आई है आज ही, तो आप जब ट्रैवल भी करती हैं आप ज़्यादा करके, तो जब आप ट्रैवल करती हैं तो किस किस्म का खाना खाना पसंद करती है आप? मैं बाहर जाती हूँ ना, मैं एडवेंचरस काम में है, लेकिन खाने में नहीं. बाहर का मुझे डर लगता है. मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, नॉट इवन एग, नॉट इवन लहसुन. आई डोंट ईट लहसुन, नॉट इवन लहसुन. मुझे डर क्या लगता है, दोनों को वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को एक ही स्पून यूज किया है, वो मेरे मन में भाई बहुत तकलीफ देता है. इसीलिए मैं हम बाहर जाते हैं ना, वेज रेस्टोरेंट देखती हूँ. और आई ऑलवेज कैरी वन बैग फुल ऑफ ईटिंग मटेरियल, 25-30 चपाती करके लेके जाती हूँ. और सूजी फ्राई करके रेडी टू ईट करती हूँ. उधर जाके गर्म पानी डालना, डिहाइड्रेट करके लेती हूँ. पोहा लेके जाती हूँ. मेरा कुकिंग बैग है मेरे पास, स्मॉल कुकर भी है इसमें, इलेक्ट्रिकल कुकर. मेरे दादी मेरे नानी ऐसे जाती थी पहले, 70-75 साल पहले. उस समय मैं उसको मजाक करती थी, 60 years बैक, ये क्या है आप खाने का चीज़ लेके ही जाती है सब जगह में, बाहर खाना खा नहीं सकती क्या? वो बोलते हैं मुझे आदत हो गया है. अभी मैं उसे उनके जैसे ही बिहेव करती हूँ कि इफ आई गो टू एनी कंट्री इट डजंट मैटर, यू कैरी ऑन, आई कैरी माय ओन फूड. योर हस्बैंड आल्सो लाइक सिंपल फूड, ज्यादा ज्यादा इज नॉट फूडी एट ऑल. नॉट एट ऑल. ऐसा कहते हैं ना कि द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक. सो ऑब्वियसली द वे टू मिस्टर नारायण मूर्ति हार्ट वाज नॉट थ्रू हिज स्टमक. व्हेन यू मेट हिम, आपका लव एट फर्स्ट साइट? नहीं, आई न्यू हिम, यू न्यू हिम, मे बी ऑन हिज साइड, मे बी ऑन हिज साइड. नारायण मूर्ति क्या पसंद करते हैं मुझे मालूम है. वो बिसी बेड़े हुलियन्ना बोलते हैं, बिसी बेड़े हुलियन्ना मैसूर का स्पेशल है वो. वो उनको बहुत पसंद है, वो भी मैं करती हूँ. और उनको बैंगन सब्जी बहुत पसंद है, मैसूर स्टाइल.